हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सपना, मेरे चैनल फ्रेंड्स फैमिली किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चीजी स्नैक्स, जिसे आप सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, जब भी आपका मन हो, जब आप इसे खा सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, और यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से एक बार बना के खा लिया तो आप इसी का टेस्ट पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। और इसे खाने के बाद तो आपका मूड भी बहुत ही फ्रेश होने वाला है, क्योंकि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्नैक्स के लिए नाचोस लिए हैं, इससे हमारी बहुत ही चीज़ी स्नैक्स बनकर तैयार होगी और खाने में तो बहुत ही यमी है। दोस्तों, जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे इजीली बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरे पैकेट का स्नैक्स बना रही हूँ, क्योंकि जब यकीन मानिए अगर ये एक बार बना लिया तो खाने के बाद तो बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकता है। ऐसा लगता है खाए जाएं तो ये खाने में बल्कि कम ही पड़ जाते हैं, पर ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं होते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो इसे पूरा पैकेट बनाने वाली हूँ। और अब मैंने इसमें सेजवान चटनी और मेयोनीज ऐड किया है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और साथ ही मैं इसमें बारीक कटे हुए ऑनियन ऐड कर दूंगी, इससे भी हमारे चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर दूंगी। दोस्तों, अगर आपको क्रंची क्रंची स्नैक्स ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ऑनियन, टमाटो और कैप्सिकम बहुत ज़्यादा ऐड कर दो, इससे हमारी स्नैक्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही क्रंची क्रंची लगेंगे। और अब मैं साथ ही इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड करूँगी। दोस्तों, स्वीट कॉर्न से भी हमारे चीज़ी स्नैक्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। दोस्तों, घर में जब भी हम मूवी देखने बैठते हैं तो अक्सर बोर हो जाते हैं, तो आप मात्र 5 मिनट में चीज़ी स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब मैं साथ ही इसमें बारीक कटे हुए पनीर भी ऐड कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाए। पनीर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, बच्चे पनीर इस तरीके से नहीं खाते हैं तो इस तरीके से खा ही लेंगे। और अब मैं इसमें ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे चीज़ी स्नैक्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए और थोड़ा बहुत कुछ कुछ ऐसा लगे कि भाई हमने बर्गर भी खाया है या पिज़्ज़ा खाया है। और अब मैं इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि चीज़ के बिना तो बहुत ही अधूरा अधूरा लगता है, खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो चलिए, अब बारी है इसे बेक करने की। तो बेक करने के लिए हमने कढ़ाई में स्टैंड रख लेंगे और उसके ऊपर प्लेट को रख लेंगे और ढक्कन लगा कर कवर कर देंगे और मात्र 3 से 4 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है दोस्तों। तो ये देखिए, वाव, सुपर टेस्टी हमारे नाचोस बनकर बहुत ही यम्मी लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए, वाव, हमारे नाचोस कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे चीज़ी स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे किस वक्त अपने फैमिली के साथ इंजॉय किया। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।